बोल दो प्रियांश। तो प्रियांश को मैं नीचे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे जो हस्बैंड है उनको मैंने लंच दे करके ऑफिस भेज दिया है, तो अब मैंने प्रियांश को खाना वगैरह सब कुछ खिला दिया है। इसको मैं सुबह में दूध और रोटी खिलाती हूँ और अब मैं जा रही हूँ इसका तेल मालिश करने के लिए, क्योंकि तेल मालिश बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस, और आज मेरा, मैं आपको बता दूँ कि आज मेरा जो है वो फास्टिंग है, आज है थर्सडे, तो आज है मेरा फास्टिंग। साईं भगवान का जो मैं करती हूँ तो वो फास्टिंग भी है। तो बस मुझे याद रखना कि मैं कुछ इसके वजह से कुछ खा ना लूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए प्रियांश का मालिश करते हैं जल्दी से। एवरीवन, मालिश करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये ना ड्राई मैट है, ये ड्राई मैट है, और ये प्रियांश का ना मैं आज से यूज नहीं कर रही हूँ। ये मेरा लगभग प्रियांश जो है वो जनवरी में 2 साल का हो जाएगा, तो लगभग मैक्सिमम मान के चलिए कि 2 साल तक इसको कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक ये बिल्कुल नया है और बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इसको लेना चाहें ना तो आप ले सकते हैं। आप कहीं पर भी जाइएगा ना शॉप में, मेडिकल शॉप में, तो वहां पूछिएगा ना कि ड्राई मैट चाहिए तो आपको दे देगा। तो यही मैं चादर के पास बिछा देती हूँ, उसके बाद में मालिश करती हूँ, क्योंकि इससे हमारा चादर भी सेफ हो जाता है, क्योंकि चादर में भी तेल नहीं लगता, नहीं तो फिर डबल मेहनत। तो इसलिए ये जो मैट है ये बहुत अच्छा है और इसी में मैं प्रियांश का मालिश करूंगी। तो चलिए इसको जो मैं अच्छे से ना लगा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से मैं लगा देती हूँ, उसके बाद मैं प्रियांश का मालिश करती हूँ। तो प्रियांश अभी बैठा हुआ है, उसको मैं पकड़ के लेके आती हूँ, नहीं तो फिर वो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रियांश यहाँ पे रेडी है। प्रियांश हाई कर दो, उधर हाई कर दो, हाई कर दो ना गुगु। तो प्रियांश का जब टमी फुल रहता है ना तो ये मालिश भी अच्छे से करा लेता है, तो इसका भी टमी भी फुल है और इसने सब कुछ अपना जो है उसका पेट वगैरह जो टमी है वो फ्रेश हो चुका है, आपको तो पता ही है। तो प्रियांश का ये सब बहुत गुड हैबिट है। तो बस अब क्या करना है ना, प्रियांश मालिश करवाने में ना बिल्कुल भी नहीं रोता है, जैसा मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं रोता है। तो इसको बस मैं इस तरीके का एक दवाई दे देती हूँ, ये लो, और ये बस इस तरीके से खेलता है। और मैं ये असली का जो सरसों तेल है ना इससे मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ही बेनिफिट है। तो ये देख सकते हैं असली का सरसों तेल है, तो इसे मैं प्रियांश का जो है अच्छे से मालिश करूंगी। मालिश कर, मालिश कर, मालिश कर। तो बस इसका मैं अच्छे से मालिश करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे मालिश करती हूँ। तो हाय एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं तेल मालिश कर रही हूँ प्रियांश का। तो मालिश करना ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह और नाइट में, जो मॉर्निंग और नाइट का है, मैं इसमें ना प्रियांश का मालिश कर दूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था। पर मैं मॉर्निंग में प्रियांश की ना बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खेलता है ना, क्योंकि इस टाइम जो बच्चे होते हैं ना काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते और इतना दौड़ते हैं ना कि वो थक जाते हैं। तो मालिश करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपके अगर छोटे बच्चे ना तो उनको अच्छे से आप लोग मालिश कीजिए। तो मैं तो प्रियांश का, अगर आपको मालिश का व्लॉग देखना है तो आप लोग फुल मालिश का व्लॉग देखना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कैसे प्रियांश का प्रॉपर तरीके से मालिश करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों टांगों को ना अच्छे से सीधा करके, एकदम स्ट्रेट करके, एकदम टाइटली जो है, नारियल तेल भी लगा सकते हैं आप, मैं नारियल तेल भी प्रियांश को लगाती हूँ, बट मैं यहाँ पे सरसों का तेल लगा रही थी। तो यहाँ सरसों का तेल ना बहुत इफेक्ट करता है बच्चों पे, यहाँ देख सकते हैं आप। या तो आप चाहे ना तो डाबर लाल तेल भी लगा सकते हैं, तो डाबर लाल तेल अभी ख़त्म था इसलिए मैं प्रियांश को जो है इस तरीके से जो है असली का जो सरसों तेल आता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मुझे खरीदना ही पड़ता है, सरसों तेल भी खरीदना पड़ता है, तो इसलिए मैं असली का जो सरसों तेल है वो लेकर के आती हूँ और प्रियांश को लगाती हूँ। अच्छे से मैं उसका मालिश करती हूँ ताकि वो अच्छे से एक मतलब गहरी नैप ले सके। अगर आप बच्चों की अच्छे से मालिश करोगे ना तो उसकी थकावट भी दूर हो जाएगी और वो अच्छे से सोएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं मालिश कर रही हूँ, प्रियांश को जो नींद भी आ रही है, बट मैं इसको अभी नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि अभी सुलाऊंगी तो बहुत जल्दी उठ जाता है, इसलिए मैं इसको ना 12 बजे सुलाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं प्रियांश की अच्छी तरीके से मालिश कर रही हूँ, लेग में की मैंने, हाथ में किया, और बस यहाँ पे भी हर जगह आपको ना मतलब इस छोटे छोटे पार्ट में ना तेल अच्छे से लगाना है। मतलब बस इस तरीके से मैं तेल लगा के प्रियांश को, ये देख सकते हैं प्रियांश कितना खुश है। प्रियांश ना कभी भी मालिश करवाते वक्त ना नहीं रोता है, कभी भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे इसका हेड मसाज का बारी है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने तेल लिया और प्रियांश को अच्छे से जो है उसका हेड मसाज दिया, उसकी जो सारी थकावट है ना वो दूर हो जाए। उसके बाद मैंने इस तरीके से उसका पोनी बना दिया और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बेडशीट भी मुझे चेंज करना है। तो यहाँ प्रियांश आप लोगों को किसी दे रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बस यहाँ क्रियांश खेल रहा है, अब मैं उसको नीचे उतार दी, पहले मैं उसको बनियान पहनाऊंगी क्योंकि गर्मी थोड़ा सुबह में इस टाइम ज्यादा हो जाती है, 9 से 10 बजे के करीब। तो बस मैं इस तरीके से बनियान पहना के क्रियांश को थोड़ी देर छोड़ देती हूँ कि वो खेल ले, और तब तक मैं अपना जो है सारा काम जो है जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो आज मुझे सबसे बड़ा काम है ये चादर वादर जो भी है साफ सफाई करना है, तो यहाँ देख सकते हैं। और वैसे मेरा ना मुझे पूजा है वो मॉर्निंग के टाइम हो चुका था, तो पूजा वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, तो बस जो साफ करना था वो ये रूम ही था,
बाकी तो मैंने सारा रूम वगैरह क्लीन वगैरह कर लिया था मॉर्निंग में ही। तो बस यहाँ देख सकते हैं क्रियांश की जो शैतानियाँ वो मतलब चालू है। वो क्या कर रहा है ना, पिलो के ऊपर इस तरीके से लेटा हुआ था, मुझे देख के इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था। तो वो इसी तरीके से ना हर टाइम खेलता रहता है, तो अच्छा भी है, बच्चे को खेलना चाहिए। तो बस इस तरीके से क्रियांश खेल रहा था और मैं बस बेड लगा रही थी, क्योंकि और भी काम थे मेरे जल्दी जल्दी। और आज मेरा ना फास्टिंग है, मैं साईं भगवान का फास्टिंग रखती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले ब्लॉग में मेरे देख सकते हैं कि मैं साईं भगवान का फास्टिंग कैसे रखती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग में अच्छे से बताया है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेड जो है वो बन गया है और मैं क्रियांश से जो है पिलो मांग रही हूँ, बट वो तो बस सोने के पीछे पड़ा हुआ है, खेलने के बदमाशी के पीछे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैंने बोला इसको छोड़ो, जल्दी जल्दी मैं पिलो वगैरह सेट करती हूँ, क्योंकि और भी काम है, जल्दी जल्दी करना भी है। तो बस क्रियांश को ना थोड़ी सी खांसी है, तो अभी मैं ना उसको हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी वाला दूध ना बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है और क्रियांश इजिली पी भी लेता है। बहुत बच्चे नखरे करते हैं बट नहीं, क्रियांश पी लेता है, क्योंकि मैं ना उसको बचपन से ना ये सब चीज़ ना आदत लगवाई होती। हाँ, आप लोग देख सकते हैं क्रियांश को मैं नहला के ले आई हूँ, उसका कपड़ा वगैरह मैंने चेंज कर दिया है और अब मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो तो सो नहीं रहा था। फिर मैं सोची कि चलो थोड़ी देर बाद सुलाया जाए, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर आई और मैं ट्राई करूँ कि क्रियांश सो जाए, ताकि मेरा और भी मतलब काम है वो मतलब खत्म हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रियांश का जो है वो कपड़ा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, मतलब छोटा छोटा चीज़ क्रियांश को ना मतलब संभालना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। बट कोई नहीं, यहाँ मैं क्रियांश को कोशिश कर रही हूँ कि वो सो जाए, कभी कभी बहुत देर बाद वो सोता है, बट फाइनली वो घड़ी आ गई और क्रियांश जो है वो अच्छे से सो गया। यहाँ आप देख सकते हैं गहरी नींद में आ गया है, क्योंकि ना इसका है अच्छे से मालिश करके नहा करके ना इसको अच्छे से नींद जो है वो आ जाता है। एवरीवन, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने व्लॉग्स को तो एंड ही नहीं किया है, तो एंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रियांश को सुलाते सुलाते ना मेरे को थोड़ा भी मतलब याद ही नहीं रहा, तो चलिए व्लॉग को एंड कर लेते हैं तो कुछ प्यारे नोट्स के साथ। तो आप लोग मेरे कल के वीडियोस को काफ़ी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किए हो, तो ऐसे ही सपोर्ट करो। अब जिसको पसंद आता है वो मेरा वीडियो देखेंगे और जिसको नहीं आएगा वो नहीं देखेंगे, बट मैं तो अपना 100% दे रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बस आप लोग अगर मेरा वीडियो को पसंद करते हो तो ढेर सारा शेयर भी कर दिया करो। और क्रियांश अभी सो चुका है, तो अभी टाइमिंग हो रही है आई थिंक 12 बज रहा है, तो 12 बजे क्रियांश सो जाता है और वो अब उठेगा इवनिंग में 3 या 4 के करीब, क्योंकि वो अच्छे से नैप लेता है। उसका मालिश मैंने अच्छे से कर दिया, उसको अच्छे से नहला दिया, तो भी वो काफ़ी देर तक सोएगा। और अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हस्बैंड को लंच देना, ब्रेकफास्ट बनाना, क्रियांश का सारा रूटीन करना, बहुत ज़्यादा थक गई। और आज मेरा फास्टिंग भी था साईं भगवान का, तो वो भी मैंने किया। और आज है Day 5 नवरात्रि का, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ जो है वो बन गई है ना, तो आज जो पंडाल है ना उसमें मूर्तियाँ जो है वो लग जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को दिखाऊँ, अगर मैं बैल्कनी से दिखा पाऊँ तो। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा धूप आ रहा है मेरी बैल्कनी से, बहुत ही अच्छा धूप आता है। तो विंटर के टाइम ना यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा लगता है, बट समर में तो आप बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो बस यही है। और मैंने अभी कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत मिठाई खाया, क्योंकि मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ना मैं फास्टिंग जब भी करती हूँ ना मुझे हेडेक हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्रियांश जब वो सो रहा है ना तो थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे का जगी हुई हूँ। सारा कुछ करना, हस्बैंड का सारा रूटीन करना, मतलब कि जो भी ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर क्रियांश को ब्रेकफास्ट कराना, उसको मालिश करवाना, उसको नहलाना, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बट कोई नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा। तो पूजा मैंने सुबह ही कर लिया था और अब मैं इवनिंग में पूजा करूँगी। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और ये ब्लॉग मैं सोचूँ इवनिंग तक कंटिन्यू रखूँगी। अगर इवनिंग तक कंटिन्यू रहेगा तो मैं नाइट में सोचूँगी कि आपको नाइट में ब्लॉग डाल दूँ, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर वो मॉर्निंग में जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर आप मुझसे बड़े हैं तो ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, बस यही मैं चाहूँगी आप लोगों से। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है वीडियो वो तो देखेंगे ही और जिसको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं देखेंगे, ये जेन्युइन सी बात है। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि इंसान सीख करके ही आगे बढ़ता है। बहुत चीज़ है जो मेरे लिए नया है, तो एडिटिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ है, तो वो मैं सब सीख रही हूँ।
कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर के आऊँ। तो आज आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड हाँ टेक केयर, बाय बाय।